Hello everyone, welcome again to channel English Everyday. And in our last video we did present perfect continuous and today we are going to do past perfect continuous. तो आज हम करने जा रहे हैं past perfect continuous. अब एक बात सुनिए, आपको यहाँ पे कितना चेंज आया, सिर्फ एक वर्ड का चेंज आया. कल क्या था? प्रेजेंट था और आज क्या है? पास्ट है. सिर्फ इतना ही है, परफेक्ट भी सेम रहेगा और कंटिन्यूस भी सेम रहेगा. यानी कि वी वन प्लस आईएनजी जो हम कर रहे थे वो भी सेम रहेगा और हमारा जो बीच में है क्या है? परफेक्ट है. जैसे कि हैज था वो हैड में बदल जाएगा. तो थोड़े से चेंजिंग होते हैं इसमें, ज्यादा नहीं होती. बस यही होता है कि हमें ये करना है, जो काम हम कल प्रेजेंट में कर रहे थे वो आज हम किस में कर रहे हैं? पास्ट में कर रहे हैं. तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. अब हमें टाइम कौन सा लेना है? पास्ट का. देन सम टाइम के लिए परफेक्शन और देन कंटीन्यूअस. अब हम कर क्या रहे थे? कल क्या कर रहे थे? कल के बारे में सोचिए. हम कल कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. तो क्या कहेंगे? वी हैड बीन डूइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सिंस यस्टरडे. तो कल से क्या कर रहे थे हम? कल से सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कर रहे थे. तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कल कि मैंने एक टॉपिक क्लियर नहीं किया था और वो मैंने कहा था कि मैं वो टॉपिक कल क्लियर करूंगी आपको. और वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक था हमारा सिंस और फॉर. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम इनके लिए करते हैं सिंस और फॉर. सिंस और फॉर कहाँ यूज होते हैं? तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं किसकी? फॉर की. अब फॉर क्या होता है? फॉर कहाँ पर आता है और सिंस कहाँ पर आते हैं? पहले तो इन दोनों का क्या देखिए, इनका कंपैरिजन देखिए. फोर जो होता है वो टाइम पीरियड के लिए आता है. उसमें ये नहीं होता कि हमारा जो है प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, यानी कि मोमेंट ऑफ टाइम उसमें नहीं दिया होता, उसमें पूरा पीरियड दिया होता है. और सिंस में क्या होता है? मोमेंट ऑफ टाइम दिया होता है, एक प्रारंभिक बिंदु दिया होता है कि वहां से काम शुरू हुआ था. लेकिन इसमें कहाँ से शुरू हुआ था? इस फोर में ये नहीं होता, बट इसमें क्या आ जाता है? एक पीरियड आ जाता है. अब कहाँ कहाँ किस तरह से वो पीरियड यूज किया जाता है अब वो देखते हैं. सबसे पहले देखिए, ये हमारे फोर के लिए ये छोटा सा डायग्राम हम ड्रॉ करने जा रहे हैं. और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि फोर हमारा कहाँ कहाँ आता है. तो इस डायग्राम में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? यहाँ पर आता है हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव. न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस, अब इसके साथ हमारे सब चीजें आ रही है. जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले मिनट्स की बात करते हैं. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मिनट्स. मिनट्स, अब इसके साथ हमने क्या जोड़ना है? कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव जोड़ना है. और न्यूमरल एडजेक्टिव कुछ भी आप देखिए, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 20 मिनट्स, ठीक है. तो क्या आ जाएगा? He had been weeping for 20 minutes. कितनी देर से रो रहा था? 20 मिनट से, ठीक है. और इसके साथ हम और कैसे यूज कर सकते हैं? क्या आ जाएगा? 20 मिनट्स. और हम ये भी लिख सकते हैं फोर मैनी मिनट्स. और हम लिख सकते हैं फोर सेवरल मिनट्स. तो हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे? फोर सेवरल मिनट्स. और इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? अ मिनट लिख सकते हैं. फोर अ मिनट, यानी एक मिनट के लिए. तो कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव जहां मैं आपको दिया हुआ, तो सबसे पहले किसकी बात हो गई? हमारी मिनट्स की बात हुई. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आवर्स की. किसकी बात करेंगे हम? आवर्स. इसके बाद आवर्स आता है. अब यहाँ पे कोई भी आप न्यूमरल भरिए, न्यूमरल एडजेक्टिव कोई भी भर सकते हैं आप. सपोज आपने भर दिया यहाँ पे 15, तो क्या हो जाएगा? He had been crying for 15 minutes. अब सॉरी 15 आवर्स. किसकी बात चल रही है यहाँ पे? हमारी आवर्स की बात चल रही है. तो 15 मिनट से वो क्या कर रहा था? 15 मिनट से वो रो रहा था. और अब यहाँ पे हम किसको लिखते हैं? 15 मिनट्स को हम क्या लिख सकते हैं? फोर मैनी आवर्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे. और हम यहाँ लिख सकते हैं फोर सेवरल आवर्स. और हम ये भी लिखेंगे फोर एन आर. फोर ए आर नहीं होता, क्योंकि ए एन किसके ए और एन का यूज आपको आर्टिकल्स में आपने किया होगा. तो क्या लिखेंगे? फोर एन आर लिखेंगे. नेक्स्ट हमारा कहाँ पे आता है? जैसे ये देखिए मिनट्स हो गया, आवर्स हो गया. अब बात हो गई डेज की. डेज के साथ कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव आ सकता है आपका. यहाँ पे आपने 10 कर दिया, तो फोर 10 डेज, ठीक है, फोर 10 डेज. उसके बाद आप लिखोगे फोर मैनी डेज, या फिर फोर सेवरल डेज, या फिर फोर ए डे. इस तरह से आता है फोर. नेक्स्ट हम बात करते हैं वीक्स की. यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? वीक्स. अब वीक्स के लिए भी आप कोई भी न्यूमरल लगा दीजिए. सेवन वीक्स, सेवन
9, 10 कुछ भी लिख सकते हो, तो 4 7 वीक्स, 4 मेनी वीक्स, या फिर 4 सेवरल वीक, या 4 ए वीक, इस तरह से आता है। अब उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाता है मंथ्स, फिर न्यूमेरिकल, यहाँ पे न्यूमेरल एडजेक्टिव आ जाएगा आपका, फिर क्या आ जाएगा ईयर्स, जैसे हम लिखेंगे फॉर 10 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स, फॉर सेवरल ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स, और नेक्स्ट फिर हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे ले सकते हैं डिकेड्स। डिकेड्स क्या होता है, जैसे दशक, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, 10-10 सालों का जो ग्रुप होता है उसको डिकेड्स कहते हैं, यानी कि दशक, इतने दशकों के, तो हम क्या लिख सकते हैं 10, 20, 30 कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर अ डिकेड भी लिख सकते हैं कि एक दशक, इस तरह से। तो फॉर ए डिकेड, फॉर 10 डिकेड्स, इसी तरह ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स, फॉर सेवरल ईयर्स, फिर उसके बाद क्या जाता है सेंचुरीज के लिए। तो कितनी सेंचुरीज हूं उन सब के लिए आ जाता है। एक मैंने कल आपको एग्जांपल भी दिया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में दिया था मैंने, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर, तो इसका मतलब हाउ लॉन्ग और इस तरह से जो पीरियड होते हैं उनके साथ भी सिंस, तो सिंस व्हेन के साथ सिंस आता है, और हाउ लॉन्ग के साथ क्या आता है फॉर आता है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ भी फॉर लगता है। हाउ लॉन्ग, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, या फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इसके साथ भी हमारा क्या लगता है फॉर लगता है। अब बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं सिंस की, तो सिंस कहाँ कहाँ पे आता है वो देखते हैं, लेट मी रेज। तो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं सिंस की, तो सिंस कहाँ कहाँ आता है हमारा, सिंस की बात करते हैं यहाँ पे, तो बहुत जगह पे हम क्या यूज करते हैं सिंस करते हैं, और सिंस किसके लिए होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम जहां से काम शुरू हुआ है, इसमें पीरियड नहीं दिया होता कि इतने मिनट इतने घंटे ये सब नहीं दिया होता, इसमें ये दिया होता है कि काम कब से हमारा शुरू हुआ है, पीरियड का नहीं होता, तो यहाँ पे इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ टाइम। तो कहाँ कहाँ सिंस यूज करते हैं प्लीज चेक हियर, इसको देखिए एक डायग्राम से देखते हैं हम इस तरह से, तो ये डायग्राम में पहले हम देखते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं कैलेंड्रिक, ये क्या हो गया हमारा कैलेंड्रिक, एक इसके लिए देखना। सेकेंड हम किसके लिए यूज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्लॉक। थर्ड हम लिखते हैं पार्ट्स ऑफ डे, फोर्थ हम करते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ, देन फेस्टिवल्स, एंड देन हम यहाँ पे क्या कर देते हैं सीजन्स, और इसके बाद भी हमारा एक और बचता है वो होता है इवेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलेंडर की, अब कैलेंडर में क्या क्या आता है, डेज आते हैं यहाँ पे, मंथ्स आते हैं, ईयर्स आते हैं, इन सब के साथ सिंस कैसे यूज होता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कैलेंडरिक में बात करते हैं हम डेज की, तो डेज में क्या क्या होता है, सुबह यहाँ पे देखिए मंडे, यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे, सिंस फ्राइडे, तो इन सब के साथ क्या आता है सिंस आता है। और उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा क्या हमारा डेज, पहला था डेज तो हमने लिखा सिंस मंडे, देन हम किसकी बात करते हैं, देन हम बात करते हैं सेकंड आता है डेट्स। अब डेट्स की बात सुनिए, डेट्स की क्या होता है, 7th of July, 8th of March, इस तरह की, जिसे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 7th July, तो इस सब के साथ क्या आता है सिंस 7th July, सिंस 8th July, तो क्या आता है यहाँ पे हमारा आता है ये कैलेंड्रिक में सिंस आता है इनके साथ। उसके बाद हम किसकी बात करते हैं ईयर्स की ले लेते हैं हम बात ईयर्स की, तो क्या होता है सिंस 1984, सिंस 1975, सिंस 2001, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जैसे 2001, और आगे हम सबके साथ क्या लगा देंगे सिंस, जैसे कि सिंस मंडे, सिंस 7th July, सिंस 2001, और उसके बाद हम क्या करते हैं उसके बाद हम किसको लेते हैं मंथ्स को, जैसे जून,
जुलाई, और इनके साथ भी क्या लगता है, सिंस जून, सिंस जुलाई, इस तरह से आता है। अब सेकंड इसकी बात की थी हमने क्लॉक की, क्लॉक की बात होती है हमारी टाइमिंग्स की, किसी भी टाइम के साथ होता है कि जैसे ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू, ही हैड बीन वेटिंग फॉर यू, तो कितना लिखोगे, सिंस 8 o'clock। अब वो कब से प्रतीक्षा कर रहा था, 8 बजे से, तो क्लॉक के साथ हम क्या लिख देते हैं, जैसे 8 o'clock, 9 o'clock, ये सारी किसकी बात होती है, ये क्लॉक की होती है। तो क्लॉक के साथ भी जब इस तरह से टाइमिंग दिया होता है तो क्या आता है, सिंस आता है। अब हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ द डे, डे की बात कैसे होती है, कि इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही थी, तो मॉर्निंग, इवनिंग, उसके बाद नून, जो भी हम लिखते हैं, और इसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हम क्या लिखते हैं, हम कहते हैं डस्क, डॉन, डे ब्रेक, इस तरह से। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने सपोज सिंस लिखा, तो सिंस के साथ क्या लिखा हमने, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, फिर डे ब्रेक, डस्क, डॉन, और इसके साथ और भी लिख सकते हैं, सन, सनराइज, सनसेट, इस तरह से। ये सारे किसमें आते हैं, ये आते हैं पार्ट्स ऑफ द डे, ये पार्ट्स ऑफ डे होते हैं, और इन सब के साथ भी क्या लगता है, सिंस लगता है। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ। अब जैसे हम वो कहते हैं कि वो बचपन से ऐसा कर रहा था, और या फिर वो किशोरावस्था से ऐसा कर रहा था, ये सबसे तो क्या आता है, जिसे सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडोलेसेंस, तो इस तरह से यहाँ पे इनके साथ भी क्या देखेगा, सिंस चाइल्डहुड लिख देते हैं यहाँ, चाइल्डहुड या सिंस एडोलेसेंस, इन सब के साथ, जैसे कि ये जो स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन की जो अवस्थाएं हैं, उन सब के साथ भी क्या आता है, सिंस आता है। उसके बाद हम बात करते हैं फेस्टिवल की, तो यहाँ पे सिंस क्या लगेगा, सिंस दिवाली, सिंस होली, सिंस ईद, इन सब के साथ भी क्या लगता है, सिंस लगता है। अब यहाँ पर क्या है, सीजन, तो क्या आ जाएगा, सिंस विंटर, समर, स्प्रिंग, इस तरह से ऑटम, ये सब, इन सब के साथ जितने भी हमारे सीजन्स हैं, तो इन सब के साथ भी सिंस लगता है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने की है, कि जब भी लास्ट लगा होता है किसी चीज के साथ, तो लास्ट के साथ भी क्या आता है, हमेशा सिंस आता है। जैसे कि लास्ट वीक, और उसके बाद लास्ट मंथ, उसके बाद क्या होता है, लास्ट मंडे, या फिर मंडे लास्ट, इस तरह से बोला जाता है, तो इन सब के साथ भी क्या आता है, सिंस आता है। लेकिन एक बात बहुत ज्यादा पर जो नोट करने की, वो ये है कि अगर द लास्ट हो वहां पे, तो 4 आता है, द लास्ट वीक हो तो क्या आएगा, 4 आएगा, लेकिन लास्ट वीक हो, लास्ट मंडे हो, ये सब हो, तो इसके साथ सिंस आता है। और सिंस के कुछ और भी ऐसे यूज होते हैं, जो मैं अभी आपको बात बताती हूँ, लेट मी रेस। सो ये हमारी बात हुई थी सिंस और फोर की, और सिंस और फोर के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, ये आपको अभी पता चला। तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं, वो अब बात करते हैं हम किसकी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, कि इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं और इसके यूजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके क्या देखते हैं, हम इसके देखते हैं स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, पॉजिटिव की, यानी कि सिंपल सेंटेंस की। तो कल हमने जहां पर हैज और हैव किया था, यानी कि जो प्रेजेंट परफेक्ट का वो होता है टाइम वर्ड, वो क्या था, हैज और हैव, लेकिन यहाँ पे हैज हैव वाला दोनों का चक्कर नहीं है, यहाँ पे खाली क्या आएगा, हैड आएगा, जो हमारा पास्ट परफेक्ट का होता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, स्टार्टिंग का तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहने वाला है। तो देखते हैं अब क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, हमारा क्या आएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे हमने क्या किया था, सिंस या फोर प्लस टाइम, ये स्ट्रक्चर रहेगा हमारा किसका रहेगा, पास्ट परफेक्ट का। तो यहाँ तक तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड जो किया था, उसके बाद बीन और उसके बाद वी फोर। यहाँ पे कल हमारा क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट में हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, हैज और हैव लिखते हैं, और आज हमने यहाँ पे क्या किया, हैड किया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी हैड बीन, यहाँ पे करते हैं वी
has been doing tenses since yesterday. आप देखिए had been कर रहे थे since yesterday, तो हम कल से क्या कर रहे थे, हम कल से क्या कर tenses कर रहे थे, तो we had been doing tenses since yesterday, कल से कर रहे थे, या हम ये कह सकते हैं हम we had been doing present perfect since yesterday. अब next देखिए, next हमारा क्या है, negative का structure यहाँ पे क्या रहेगा, वही same क्या आएगा, subject plus had और been के बीच में क्या आ जाता है, not आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, had not been. अगेन वी फोर, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो सिंस फोर प्लस टाइम. हाँ जी, यहाँ पे हम देते हैं इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो क्या है, सुबह से वर्षा नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं हो रही है, नहीं हो रही थी, क्योंकि हम हैड बीन की बात कर रहे हैं, तो कहीं भी अगर हम हाई यूज करते हैं तो वहां पे क्या आएगा, था यूज आएगा, थी, सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी. इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. अभी हमने किया कि किसके मॉर्निंग, इवनिंग, नून, इन सब के साथ क्या आता है, सिंस आता है, तो अब हम बात कर किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की. तो इसमें क्या है, हमारा टाइम वर्ड है, ये आगे आने वाला है, तो आगे हमारा क्या आ जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी फोर, अगेन वी वन प्लस आई एन जी, वी फोर कहते हैं उसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, जैसे गोइंग, क्राइंग, लाफिंग एटसेट्रा, और वी फोर दिन ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, सीधा सिंस, और फिर क्या रहेगा, फोर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क, बहुत जरूरी होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में. अब यहाँ पे किसी का भी हम उठा के इंटरोगेटिव बना सकते हैं, इसको उठा लेते हैं, हैड वी, इसमें क्या आ जाएगा, देखिए हमारा हेड पहले है, हेड को पहले लगा दो, देन सब्जेक्ट क्या है, वी, हैड वी बीन डूइंग टेंसेस सिंस यस्टरडे, क्या ये हो सकता है. उसके बाद जैसे हमने देखा, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी. अब इसको करिए तो हम किसको लेंगे, यहाँ पे हम हैड लिख देते हैं, हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये हमारा क्या हो गया, इसका एग्जांपल. सो नेक्स्ट हम करते हैं क्या करते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव, लेट मी रेस. सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव सेंटेंसेस इकट्ठे जब होते हैं तो उसको कहते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव. यहां पर देखिए क्या होगा, टाइम वर्ड फिर आगे आ गया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, नॉट बीन, वी फोर यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, वी वन प्लस आई एन जी, और सिंस फोर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क. अब इसके दो स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी यही बताया था कि जो नोट वाले और इंटरोगेटिव नेगेटिव वाले जो वाक्य होते हैं उनके क्या होते हैं, दो सेंटेंसेस होते हैं. पहले में तो क्या देखते हैं हम कि किसके साथ आता है, नोट सब्जेक्ट के बाद आता है, लेकिन दूसरे स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम हेड के साथ ही नोट क्या लगा देते हैं, फर्स्ट प्लेस पे लगा देते हैं, यानी स्टार्टिंग में ही लगा देते हैं जब कोई सेंटेंस शुरू होता है. तो यहाँ पर देखिए हैड नोट है, और यहाँ पे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट है, तो इस तरह से है. आप इनके क्या लेते हैं, इनके एग्जाम्पल करते हैं. देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल वन देखिए, हैड राम नॉट बीन लिविंग इन दिस कॉटेज सिंस 1970. Had Ram not been living in this cottage. देखिए यहाँ पे क्या है, had time word है, ये पहले आया और उसके बाद subject के बाद क्या आ रहा है, note आ रहा है. Had Ram not been living in this cottage. नहीं रह रहा था, कहाँ से, 1970 से राम इस cottage में नहीं रह रहा था. और दूसरा हम जो structure है उसमें क्या होता है,
नोट हम कहाँ पे लगाते हैं, हम नोट हेड के साथ ही लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका एग्जांपल नंबर टू देखिए, यहाँ पे आ जाएगा हैड नॉट आई बीन ट्राइंग, यहाँ पे हम लिख देते हैं हैड नॉट आई बीन ट्राइंग टू कंटेक्ट हर, देखिए had not या hadn't, I been trying, नहीं कर, क्या try नहीं कर रही थी, क्या मैं 2 घंटे से try नहीं कर रही थी उसको contact करने का। तो ये वाले हमारे कौन से structure है, ये 2 structure है जो हम इसको option में लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी, इन दोनों का meaning बिल्कुल same होता है, लेकिन इनका क्या होता है, नोट कभी हम सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं और कभी हम टाइप वर्ड के बाद। और नाउ वी डू यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नाउ वी सी द यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने जो आपको वीडियो स्टार्ट करते टाइम भी बताया था कि मैं सिंस के लिए आपको एक ट्रिक बताऊंगी, और जो ये वीडियो पूरी देख रहे हैं अब उनके लिए वो ट्रिक्स बीच में आएंगी। तो सबसे पहले कौन सी ट्रिक देखते हैं, सिंस की। तो सिंस की एक ट्रिक ये होती है कि अगर सिंस के बाद प्रेजेंट, क्या अगर सिंस के बाद पास्ट, क्या आता है, पास्ट इनडेफिनिट आता है, तो पहले वाले सेंटेंस में जो क्या आएगा वो क्या आएगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। सी देखते हैं इसको एक एग्जांपल में। तो मैंने क्या कहा, सिंस के बाद क्या आता है, अगर पास्ट इनडेफिनिट आता है तो सिंस से पहले क्या आएगा, सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जैसे I haven't seen him. I haven't seen him since he left. जब से उसने छोड़ा है, जब से उसने क्या छोड़ा है, जब से उसने इंडिया को छोड़ा है तब से मैं उसे नहीं देख चुका हूं। अब ये वाला किसका है, ये हमारा किसका यूज है, ये हमारा सिंस का यूज है। तो सिंस में होता है, सिंस के बाद ये क्या है, अब ये सिंपल पास्ट है, क्या है, ये सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनेट है, और इससे पहले वाला जो सेंटेंस है वो क्या है, वो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो कहीं भी आपको ऐसी फीलिंग आती है, यानी कि फील करने के लिए मिल जाता है, जहां पर पीछे से क्या दिया हो, सिंपल सिंस के बाद सिंपल पास्ट दिया हो आपको, तो आगे आप बिना सोचे समझे कि क्या भर दोगे, आप बिना सोचे समझे भर दोगे हैवंट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट भर दोगे। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट इकट्ठे आते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट और ये क्या हो गया, सिंपल पास्ट, ये दोनों इकट्ठे आते हैं। और अब हम इसके लिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देती हूँ, एग्जाम्पल टू, सिंस ही ज्वाइंड द आर्मी, सिंस ही ज्वाइंड द आर्मी, He hasn't taken any leave. देखिए अगेन वही बात है, यहां पे क्या था, 2 sentences की मैं बात कर रही थी कि जिसमें क्या होता है कि एक अगर सिंपल पास्ट में है तो पहले में क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट आता है। तो ये देखिए उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर सिंस के बाद क्या है, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये हम पहले भी यूज कर सकते हैं, Since he joined the army, जब से उसने क्या की, army join की, तो ये क्या है, ये यहाँ पर simple past है, तो he hasn't taken any leave, वो कोई भी अपनी छुट्टी नहीं ले चुका है। अब इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, हम uses की बात करते हैं, और वो uses किसके हैं, past perfect continuous के uses बात करते हैं। यहाँ पर एक, अब देखिए यहाँ पे हम rule number 2 की बात करते हैं, जो किसके बारे में है, जो past perfect continuous के बारे में है। अब रूल 2 में आप देखिए कि जैसे क्या होता है, अब 2 एक्शन हुए जहां पे कहीं पे कोई 2 कार्य हुए, तो टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, तो जो क्या हो चुका है, जो पास्ट में हो चुका है कुछ समय के लिए, और जो दूसरा एक्शन है वो उसके बाद हुआ है, जैसे कोई भी एक्शन कुछ समय के लिए पास्ट में चल रहा था या हो चुका था, उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ, तो क्या कहेंगे, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट फॉर सम टाइम व्हेन अनदर एक्शन टुक प्लेस, जब पहला कुछ टाइम के लिए चल रहा था उसके बाद दूसरा हुआ। तो इसको एक एग्जांपल के द्वारा कैसे होगा, दे हैड बीन प्लेइंग चेस
us अब देखिए वो कितने घंटे से, दो घंटे से खेल रहे थे when I joined them, तो यहां पे क्या लिखूंगी मैं when I joined them, अब यहां पे देखिए दो एक्शन है, अब वो दो घंटे के लिए यानी कि पास्ट में भी ये वाला जो पहले वाला एक्शन है ये कुछ टाइम के लिए चल रहा था, और जब ये दूसरा एक्शन क्या हुआ, दूसरे एक्शन ने उसको क्या किया, ज्वाइन किया, यानी कि जब दूसरा एक्शन हैपन हुआ तो पहला कुछ देर के लिए चल रहा था। इसको फिर से देखिए दे हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर टू आवर्स, वो दो घंटे से खेल रहे थे when I joined them, जब मैंने उसको ज्वाइन किया, जब मैंने ज्वाइन किया, तो यहाँ पर ये देखिए when के बाद क्या है, ये सिंपल पास्ट है और उसके पहले क्या है, पास्ट परफेक्ट है। तो ये और ये जो दोनों है ये कंपैरिजन में दिखाए हैं, यहाँ पर ये कौन सा है, ये सिंपल पास्ट है, पर ये कौन सा है यहाँ पे प्रेजेंट कौन सा है, परफेक्ट है। तो ये सिंस के बाद अगर ये आता है तो पहले ये आएगा, और ये पहला एक्शन जो थोड़ी देर के लिए चल रहा था पास्ट में, पर दूसरा एक्शन भी पास्ट में शुरू हुआ उसके बाद, तो उसमें क्या आता है, पहले एक्शन में क्या आएगा, पहले एक्शन में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा और दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में सिंपल पास्ट आएगा। सो लेट मी रेस, सो सी द रूल थ्री, अब हम बात करते हैं रूल नंबर थ्री की। अब रूल थ्री यहाँ पे है क्या, टू एक्सप्रेस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए सिचुएशन इन द पास्ट, कोई भी सिचुएशन थी जो पास्ट में ही कॉन्टिन्यू थी और उसके रिजल्ट भी कहाँ से कहाँ फील किए गए, पास्ट में ही फील किए गए, तो उस चीज़ के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और यहाँ पे देखिए रूल नंबर फोर थ्री जो है वो हमारा इसी पे है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ सिचुएशन, ऐसी कोई सिचुएशन जो पास्ट में कॉन्टिन्यू थी और फिर उसके रिजल्ट भी वहीं पर क्या किए गए, पास्ट में ही फील किए गए, तो उसमें भी कहाँ होता है, जो प्रेजेंट जो फर्स्ट वाला वर्क है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। इसको एक एग्जांपल से करते हैं, जैसे आई हैड बीन वर्किंग हार्ड, आई हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 15 डेज so I felt I deserved a holiday, देखिए ये जो पहले वाली सिचुएशन है, 15 दिन से मेहनत कर रहा था मैं, 15 दिन से जो मेहनत कर रहा था तो वो कहाँ पे कर रहा था, पास्ट में ही कर रहा था, पास्ट में कुछ समय के लिए, और उसके लिए so I felt, तो मैंने महसूस किया, अब क्या महसूस किया, आई डिजर्व ए हॉलीडे, कि मुझे क्या चाहिए था, मेरे को क्या, आई डिजर्व, मैं क्या डिजर्व करता था, एक हॉलीडे डिजर्व करता था। तो यहाँ पे कौन सा रूल है हमारा, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए सिचुएशन इन द पास्ट, वो भी कितने, थोड़े पीरियड के लिए। अब हम देखते हैं रूल नंबर फोर, और रूल नंबर फोर जो हमारा है वो हमारा नरेशन से जुड़ा हुआ है। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो हम कहाँ यूज कर, तो भी हम पास्ट परफेक्ट कहाँ पर यूज करते हैं, वो देखिए एग्जांपल, जब हमारा रिपोर्टेड, जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट में हो और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो, तो भी हम क्या करते हैं, जब उसको चेंज करते हैं, जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो किस में बदल जाती है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाती है। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल से बताती हूँ मैं, जैसे कि ये हो, He said, I have been working for 2 hours. अब देखिए यहां पे इसमें क्या है, ये पास्ट में है, ये क्या है रिपोर्टेड वर्ब, और ये क्या है रिपोर्टेड स्पीच, ये किस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है। तो जब ये चेंज होगी किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होगी तो क्या होगा, तो ये कहेंगे हम ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours। तो
यहाँ भी क्या यूज हुआ, यहाँ भी हमारा यूज हुआ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज हुआ। आप देखिए अगर ये सेम ही रहे, ये किस में रहे, ये पास्ट में ही रहे, और ये जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है यानी रिपोर्टेड वर्ब हमारा पास्ट में ही रहे, और रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में आ जाए, वो आ जाए हमारे पास कंटिन्यूस में आ जाए, तो भी जब वो चेंज होगा तो ये वाली रिपोर्टेड स्पीच किस में चेंज हो जाएगी, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगी। देखिए एग्जांपल नंबर टू यहाँ पे, जैसे मैं लिख देती हूँ बिनी सैड, बिनी सैड आई वॉज वर्किंग इन द ऑफिस, आई वॉज वर्किंग इन द ऑफिस, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, बिनी सैड दैट ही हैड बीन वर्किंग इन द ऑफिस। तो ये देखिए जहां पर ये दोनों में ही क्या आ गया, हमारा पास परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया, किस में आ गया, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच किस में थी, हमारी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में थी, या हमारी रिपोर्टेड स्पीच किस में थी, पास्ट कंटिन्यूअस में थी, और रिपोर्टेड वर्ब दोनों में ही किस में था, पास्ट में था, तो वहां पर क्या यूज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होता है। तो ये हमारे थे कुछ यूजेस, और अब हम नेक्स्ट देखते हैं, लेट मी रेज नाउ रूल नंबर 5, रिपीटेड एक्शन ऑफ पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में कुछ रिपीटेड एक्शन होते हैं जो हम बार बार किसी चीज के लिए ट्राई करते हैं, और फिर हम उसके लिए क्या कहते हैं, जैसे ये एग्जांपल है, आई हैड ट्राइड मेनी टाइम्स टू गेट द जॉब देयर, मैंने कई बार क्या किया था, ट्राई किया था जॉब पाने के लिए। तो हम इसको किस में यूज करते हैं, हम इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे आई हैड बीन ट्राइंग टू गेट द जॉब, कि मैं वहां पे क्या कर रहा था, बार बार कोशिश कर रहा था, आई हैड बीन ट्राइंग, और ये था आज हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इसमें आपने सिंस फॉर ये सब क्लियर किया। और अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरी फर्दर वीडियोस में कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, लिंक उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और आप मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।